नमस्कार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री, सजायाफ्ता 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव को आपने हथकड़ी में कभी देखा? अभी हाल ही में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को क्या आपने हथकड़ी पहने देखा? आपने क्या नवाब मलिक, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, के हाथों में हथकड़ी देखा गिरफ्तारी के समय? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री कह लीजिए, अनिल देशमुख के हाथों में हथकड़ी देखी? ये सब जब कभी भी पेश हुए तो ये सब के सब हाथ बुलंद किए हुए रहे, जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हों। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार, देश के खिलाफ साजिश के मामले में, देश को लूटने के मामले में गिरफ्तार इन सजायाफ्ता अपराधियों या न्यायिक हिरासत में चल रहे एक्यूज्ड को आपने हथकड़ी में नहीं देखी। लेकिन बिहार के एक पत्रकार को पटना में, बेतिया में, उसके हाथ में हथकड़ी दिखाई गई, उसे एक दुर्दांत अपराधी की तरफ उसका चेहरा ढका गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक ये एक अपराध है। दिल्ली सरकार बनाम सुनील बत्रा, ये 1978 में और 1992 में बिहार सरकार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है कि आप हथकड़ी नहीं लगा सकते जब तक वो दुर्दांत अपराधी ना हो। हमने सालों अदालत की रिपोर्टिंग की है। आतंकवादियों के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियों के लिए भी अदालत में वकीलों ने उनके खिलाफ याचिका दाखिल की, लेकिन मनीष कश्यप को हथकड़ी में रखा गया, उसकी तस्वीर वायरल की गई। मनीष कश्यप एक पत्रकार है और उसने जमीन की आवाज उठाई है। आज उसके पक्ष में पूरा बिहार का युवा खड़ा हो गया है, बिहार बंद को लेकर के भी। लेकिन उस मनीष कश्यप, जिसका घर खपड़ैल है, जिसके पिता आर्मी के रिटायर्ड सिपाही हैं, जिसके दादा आर्मी में सिपाही रहे, चचा आर्मी में सिपाही रहे, वो हमेशा कहता है कि भारत की सेवा उसके रग रग में है। उस मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद उससे पहले उसके घर की कुर्की की गई तो तस्वीर दिखी कि चौकियां और घर के चकला बेलना थे। ये तस्वीर जो मनीष कश्यप की को उत्पीड़न की है, ये तस्वीर तेजस्वी की तबाही लाएगी। किस कानून के तहत ऐसा कुछ हुआ?